सर मेरा बहुत बड़ा अमाउंट मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे घर वाले जो है सुबह शाम मेरे को जो है मैं आपको बता नहीं सकता सर, मेरा इतना बड़ा अमाउंट मेहनत से कमाया था सर। इस चीज को जो बढ़ावा दे रहा है, इस चीज की जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो इतने बड़े बड़े चैनल्स बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी होंडा एकॉर्ड ओनर दिवाकर। जी हाँ दोस्तों, इनकी वीडियो पिछले साल सामने आई थी, इनके साथ कार फ्रॉड हुआ था और फ्रॉड एक कार डीलर दिल्ली का बहुत बड़ा कार डीलर कुंज मोटर ने किया था। साथ में हम आपको बता दें दिवाकर जो थे माई कंट्री माई राइट की वीडियो देखा करते थे। अगर आपको हमारे मुंह पे विश्वास नहीं है तो आप दिवाकर से दोबारा से सुन लीजिए। इरफान चौधरी साहब जो है उनकी वीडियो देखी थी 20। तो दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा, ये हम इसलिए सुनवा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको बिलीव नहीं हो रहा है अभी भी कि माई कंट्री माई राइट बहुत टाइम से ऐसे कार डीलर्स का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज तक वो ऐसे कार डीलर का प्रमोशन करते हैं, सेकेंड हैंड कार डीलर जिनकी गाड़ियों में ज्यादा दिक्कत आती है और वो जो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। क्योंकि दिवाकर का जितना दिखाया गया था मैटर उससे कहीं ज्यादा ऊपर था। उनको कई बार पुलिस की धमकी दी गई, कभी किसी तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था उस समय। और इरफान चौधरी साहब ने क्या किया, सपोर्ट करने की बजाय, आप ये वीडियो देखिए आपको समझ आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो लोग कमेंट्स हमें कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिवाकर को इरफान चौधरी साहब ने उस समय किस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। इरफान चौधरी साहब जो हैं इन्होंने अभी 3 दिन पहले जो है मेरा रिकॉर्ड का पोर्शन ही उड़ा दिया, डिलीट कर दिया वाला पोर्शन। मतलब चला के देखिए इनकी क्या इनकी डिस्कशन हुई है कुंज मोटर वालों की और इनकी, इन्होंने पोर्शन उड़ा दिया रिकॉर्ड वाला। तो वो तो खैर वीडियो मेरे पास सेव्ड है, मैंने डाउनलोड कर ली थी। चीज़ ये इन्होंने कर पूरी की पूरी वीडियो डिलीट कर दिया अपने चैनल में से वो वाली। मतलब फ्रॉड का हमारा या चोर होता है ना, चोर या क्रिमिनल होते हैं वो सबूत को मिटाते हैं, वो चीज़ें हो रही हैं सर। वीडियो दिखा दीजिए आप। जी मैं बिल्कुल मिड लग्जरी कार वी कैन से ये है होंडा अकॉर्ड, ठीक है। अभी कम लोग हैं, हम ये गाड़ी आपको देंगे सिर्फ 6.25 लाख। और मॉडल है ये 2013 मॉडल। 6.25 लाख में मिलेगी आपको लग्जरी सेडान 2.4 ऑटो सनरूफ और ये गाड़ी ओन की जाती है एटलस कंपनी के डायरेक्टर के। क्या बातें कर, उन्हीं की गाड़ी। क्या इतना अमेजिंग है कि मतलब पायलट। तो दोस्तों आपने देखा, सपोर्ट की बात तो दूर है, माय कंट्री माय राइड ने अपनी वीडियो ही उड़ा दी जिसमें नजर आ रहा था कि वो प्रमोशन कर रहे हैं और वो ऐसा शो कर रहे हैं इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं, आप लीजिए यहाँ से ये गाड़ी लीजिए होंडा एकॉर्ड बहुत अच्छी गाड़ी है, वो वीडियो ही उड़ा दी इरफान चौधरी साहब ने। और इसके बाद हम सबसे बड़ी बात बता दें, दिवाकर की वीडियो जो आई थी आप देखिए 24 नवंबर को आई थी और 25 नवंबर को ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गई थी, जनता का सपोर्ट मिल रहा था। 25 नवंबर को ही ये आप देख सकते हैं इरफान चौधरी साहब की वीडियो आई थी और उसके बाद जब जनता जागरूक हुई, जनता को पता चला और लोग भी आगे आए जिन्होंने कहा कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है कार डीलर कुंज मोटर ने और भी जो डीलर हैं उन्होंने फ्रॉड किया है और उसकी उनकी वीडियो इरफान चौधरी साहब प्रमोट करते थे, तो जनता उसके बाद सपोर्ट में आई। और इरफान चौधरी के आप चैनल में जाके देखिए 25 नवंबर के बाद सीधे 10 दिसंबर को जब वीडियो आई, ना उसमें क्लेरिफिकेशन, ना ये उन्होंने ये बताया कि भाई पहले ये हुआ, इंसान को एक होता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, अपनी माफी मांग ले, माफी तो दूर, फिर से उसने वही काम करना शुरू कर दिया। लगने लगा था कि जनता अब जनता को समझ आ गया और जनता समझ में भी आ रही थी और उनकी वीडियो को लोग बहिष्कार भी करते हुए नजर आ रहे थे। जो समझदार थे वो समझ गए कि इसके कहने में नहीं आना, अपने बुद्धि लड़ानी है। लेकिन अब लोग दोबारा से वही गलती कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं और ऐसे यूट्यूबर्स जो केवल पेड प्रमोशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसा मिलता है इनको प्रमोशन करने का, जो कार डीलर पे जाते हैं पैसा वहां से मिलता है, यूट्यूब से भी पैसा मिलता है और ये गंदी गलत गाड़ी खराब गाड़ी आपको खरीदने के लिए बोलते हैं। तो ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनके एक बार कमेंट देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके के कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, जी आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों उनके बारे में बुराई कर रहे हो, क्यों मैंने भी गाड़ी ली थी, मेरे टाइम हो गया 3-4 महीने हो गए हैं, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, कोई तारीफ कर रहे हैं भाई।
तो भैया हम भी कुछ वो थोड़ी ना कह रहे हैं कि नेचर में बंदा बुरा है इरफान चौधरी, या कुछ ऐसा है कि, या कुछ ऐसा है कि उसकी हम बुराई कर रहे हैं। उसका जो काम है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका नहीं चल रहा इसलिए आप बना रहे हो, मैं आपको बता दूं, मैं एक जर्नलिस्ट और अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता हूं। यूट्यूब मेरे अर्निंग का हिस्सा नहीं है, अर्निंग का हिस्सा होता तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ खास आजकल व्यूज नहीं आते। और बीच में मैंने ड्रॉप भी कर दिया था, कुछ इमरजेंसी आ गई थी फैमिली से, तो मैंने ड्रॉप भी कर दिया था यूट्यूब। लेकिन ये आप सबके लिए है कि आप जागरूक हो पाए, आप जागरूक हो पाए, आप ऐसे स्कैम से बच पाए, अपना हार्ट अर्न मनी आप बचा पाए ऐसे स्कैम से। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो भैया मैं बनाना छोड़ देता हूं, प्रूफ कर दे इरफान चौधरी या कोई भी डीलर मुझे प्रूफ कर दे, ये कोई भी ऐसा यूट्यूबर है जो पेड प्रमोशन करता है मुझे प्रूफ कर दे रॉन्ग कि मैं गलत बात कर रहा हूँ कि कार डीलर जो है जो वो प्रमोशन ज़्यादातर करते हैं, जो ज़्यादातर इरफान चौधरी की मैंने वीडियो दिखाई कल आपको मायापुरी की, वो प्रूफ कर दे कि भैया वो बिल्कुल सही गाड़ी देते हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी, कोई भी आपका छोटा मोटा खर्चे के अलावा बड़े खर्चे नहीं आएंगे और इंजन काफ़ी अच्छा चलेगा, वो मुझे प्रूफ कर दे। दिवाकर के मैटर में भी कहाँ प्रूफ हुआ था ना, आगे जाके लोग आगे भी आए थे, क्योंकि लोग आगे नहीं आ पाते। सबसे बड़ी बात यह है कमजोरी, एक इंसान आगे आता है उसके पीछे झुंड बना के लोग आते हैं। क्यों नहीं आप आगे आते हो, क्यों हमेशा वेट करते हो ये आगे आएगा तब आगे आएंगे। इस वजह से दोस्तों ये लोग फ्रॉड करते जाते हैं। अगर अभी भी आपको ये लगता है कि ये वीडियो बनाना गलत है, अगर आपको अभी भी लगता है कि स्कैम के ऊपर या सोशल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो बनाना गलत है कि आपको खराब गाड़ी ना मिले या आपके साथ कुछ गलत ना हो, तो भैया आप कमेंट में दोबारा मुझे करके बताइए, मैं फिर इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा माय कंट्री माय राइड के ऊपर। अगर आपको यही लगता है कि भाई मैं गलत वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत अच्छा इंसान है या आपको बहुत अच्छी गाड़ी दिलवाता है, कुछ गाड़ी में दिक्कत नहीं आती है और काफ़ी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कारगर साबित हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वैलिड प्रूफ आप रखिए, तो मैं भैया वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। माय कंट्री माय राइड भैया जो कर रहे हैं करो, जो फ्रॉड करना है या बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो तो करो आप जी, नहीं रोक रहा आपको कोई, क्योंकि हम लोग जो हैं वो जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो इंसान किसी को अवेयर करने की कोशिश करता है, कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं, तो ऐसे ही होता है दोस्तों। काफी कुछ इस वीडियो में आप देख चुके हो जो पहले हुआ था, वो किस तरीके से चीजें सामने आई थी, किस तरीके से इरफान चौधरी ने जब उसकी पोल खुली तो उसने वीडियो डालना बंद कर दिया था और कमेंट सेक्शन को ऑफ भी कर दिया था। तो अगर इन सब चीजों से भी आपको समझ में नहीं आता और आप अभी भी ऐसे जो यूट्यूबर है पेड प्रमोशन जो करते हैं उनकी बातों में आके अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आप खरीदिए, ये आपको कोई नहीं रोक रहा, आप खरीदिए, अपना नुकसान करेंगे तो आपको शायद समझ आए। बाकी हमारा काम है आपको अवेयर करना, हम आपको अवेयर करने आते हैं इस चैनल पे, जिससे कि आप ऐसे स्कैम और फ्रॉड और ऐसे धांधलेबाजी से बच सके। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर अवेयर हुए हैं आप तो और लोगों को अवेयर करें इस वीडियो के जरिए, शेयर करें इस वीडियो को, ना हम कभी लाइक करने को बोलेंगे आपको ना सब्सक्राइब करने को, हम केवल आपको ये बोलेंगे आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि और लोग अवेयर हो पाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, इस कैंप से दूर रहिए, सत्यमेव जयते।